क्योंकि मैं घर पर अकेली होती हूँ, मैंने कुकिंग भी करनी है, सफाई भी करनी है, हर चीज़ को मैंने मैनेज करना होता है। तो इस वजह से मुझे ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे ही अरेंज करें। और यहाँ पर पराठे मेरे रेडी हो गए थे, साथ मैंने चाय भी तैयार कर ली थी। अहमद ने ही चाय बनाई थी और जब वो चाय बना रहा था साथ ही अलार्म बजने लग गया था, तो अलार्म को रिकॉर्ड करने के लिए अहमद भागा भागा टेरेस पर चला गया और मेरा मोबाइल भी साथ ले गया और मुझे कहने लगा कि मामा मुझे ये पहली सैरी का अलार्म जो है वो रिकॉर्ड करना है। और बच्चे भी आजकल आपको पता है रमज़ान स्टार्ट हो गया तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इस तरह की छोटे छोटे मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हैं, अपने पास सेव करना चाहते हैं। तो इस वजह से बस वो भी बाहर जाकर तो उसने वो शूट भी कर लिया। तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब है, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है और पूरे घर का यही हाल हुआ हुआ है, सबके गले ख़राब हैं, बहुत अजीब सी हुई हुई है तबीयत। तो लेकिन बच्चों ने रोज़ा भी रखना था और अगर मैं मोहम्मद को ना उठाती तो मोहम्मद ने सारा दिन बहुत रोना था, मुझे बहुत तंग करना था। और लास्ट डे भी इस तरह मेरे साथ हुआ था कि मैं उसको दो तीन बार मैंने सरी में नहीं उठाया था तो फिर वो सारा दिन मुझे बहुत तंग करता कि आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। और यहाँ पर वो मेडिसिन लेकर सोया हुआ था ना तो काफ़ी मुश्किल से फिर उठा था वो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सहरी बहुत आराम से कर ली थी, काफ़ी टाइम बचा हुआ था हमारे पास, चाय पीने के बाद आराम से हमने पानी पिया और उसके बाद फिर अजान शुरू हो गई थी। और बहुत देर बाद हम सहरी में बाहर आके टेरेस पे खड़े हो के तो अजानें सुनी हैं तो बहुत मज़ा आया, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और मौसम इतना अच्छा लग रहा था, हल्की हल्की सर्दी थी तो बहुत मज़ा आ रहा था। और घर के अंदर जो है वो मौसम तो ज़रा नॉर्मल ही है लेकिन टेरेस पे जब आप जाएँ या छत पर जाएँ तो फिर काफ़ी मौसम अच्छा फील होता है। तो इसी तरह हम लोग बस नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने तलावत लगा ली थी और साथ में कुरान पाक पढ़ने लगी थी। मोहम्मद ने स्कूल जाना था, बच्चों ने, दोनों भाइयों ने स्कूल जाना था और बस मैंने उनसे सिर्फ आज उनको यही कहा था कि आप नमाज़ पढ़ो और नमाज़ पढ़ के तो थोड़ी सी तस्बीहात कर लो और उसके बाद फिर आप लोग सो जाओ क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना था। अब मैं तो कुरान पढ़कर आराम से तलावत सुन के बच्चों को स्कूल भेज के और बर्तन वगैरह धो के पूरा किचन क्लीन करके तो उसके बाद ही मैं सोने के लिए जाऊंगी। और रात के बर्तन भी कुछ पड़े हुए थे और साथ सहरी के बर्तन भी थे तो फिर बस जस्ट मैंने अपने सारे बर्तन धोकर पूरा किचन क्लीन करके चूल्हा भी साफ़ कर लिया। ये सब चीज़ें मैं इसी टाइम कर लेती हूँ, उसी से तसल्ली होती है और फिर आपको सारा दिन टेंशन नहीं होती कि आपने किचन भी साफ़ करना है और अभी तो बहुत सारे बर्तन भी पड़े हुए हैं, इस तरह का कोई काम नहीं होता। जस्ट मैं सोकर उठी और उसके बाद फिर मैंने रूटीन वाइज अपना खाना पकाना शुरू कर दिया। तो आजकल अब यही रूटीन होगी कि बस मैं 11:30-12 बजे उठ जाया करूँगी और उसके बाद जो है वो फिर मैंने खाना जो है वो तैयार करना है। और 12 बजे तकरीबन उठने से ये होगा कि मैंने उठते साथ सबसे पहले अबू को रोटी बना कर देनी है क्योंकि अबू की जो है वो रूटीन ये है कि अबू ने इस साल रोज़े नहीं रखने, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है इस वजह से उनको हम रोज़े नहीं रखवा रहे। तो उनको मैं तकरीबन 11:30-12 बजे रोटी बना के दे दिया करूँगी क्योंकि मैं बना कर भी रख सकती हूँ लेकिन उससे ना अच्छा जायका नहीं आता, थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो मुझे था, मैंने उन्हें कह दिया था कि अबू आप मुझे 12 बजे तक उठा दिया करें और फिर मैं आपको रोटी बना के दे दिया करूँगी। तो आजकल बस मेरी यही रूटीन होगी। और मोस्टली हम लोग रमज़ान में जो सालन होता है वो एक दिन में खाना बनाती हूँ और दो दिन हम चलाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता।
और आज मैंने खाने में बनाया था देसी मुर्ग, मैंने उठते साथ ही पहले सालन बना लिया था, सालन बना कर मैंने रख दिया था ताकि फिर उसके बाद मैं अफ्तारी की जो है वो तैयारी कर लूँगी। और अफ्तारी की एक्साइटमेंट में आज मैंने बहुत ज़्यादा लंबा काम कर लिया था अपना, हालांकि मेरे पास घर में हर चीज़ मौजूद थी, तमाम यानी कि रेसिपीज़ मैंने बना के रखी हुई थी अफ्तार की आइटम्स, तो उसके बावजूद बस मैंने एक और नया काम कर लिया कि मैंने सोचा कि पहला अफ्तार है तो बच्चों को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्पेशल उनका फेवरेट कुछ नया बना कर दिया जाए जो वो बहुत शौक़ से खा लें। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि आज मैंने चिकन पॉकेट्स बना ली, और ये पॉकेट्स जो हैं वो ब्रेड की बनती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि थोड़ा सा मैंने चिकन बोनलेस चिकन लिया और बोनलेस चिकन को मैंने बहुत छोटा छोटा क्यूब्स में काट दिया था। इसके साथ ही मैंने इसके ऊपर इसको पैन में डाला, और पैन में डालने के बाद थोड़ा सा मैंने हल्का सा ऑयल डाला और एक चम्मच मैंने डाला इसमें ज़ीरा पाउडर, एक चम्मच डाला मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर, साथ में मैंने एक हाफ टी स्पून इसमें डाला था कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड की मैंने, साथ ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड किया था और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। इसके साथ ही मैंने कुछ इसमें वेजेस डाली थी, हाफ प्याज मैंने इसमें चॉप करके डाला था, थोड़ी सी मैंने इसमें बंद गोभी डाली थी, और थोड़ी सी ही मैंने जूलियन कट में इसमें कैरेट डाली, और साथ में एक ग्रीन चिली जो है वो चॉप करके वो इसमें ऐड कर दी। चिकन मैंने इसमें जब ऐड किया था तो उसको मैंने ऑयल में अच्छे तरीके से पका लिया था, और उसके बाद फिर मैंने इसमें सारी वेजेस शामिल कर दी थी। यहाँ पे मैंने चिकन बहुत स्मॉल क्यूब्स में लिया था, यानी कि जिस तरह से कीमा तैयार होता है उस तरह का मैंने चिकन यूज़ किया था, तो इस वजह से उसको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बहुत जल्दी से झटपट ये कुक हो गया था, और इसमें वेजेस जो हैं वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से जल्दी से आपका सिर्फ विद इन सेकेंड्स जो है वो आपका ये अच्छा सा मिक्सर चिकन का तैयार हो जाता है। और उसके साथ ही मैंने 4 से 5 पोटैटो भी लिए थे, उनको मैंने बॉयल करके रख लिया हुआ था। तो अब मैंने चिकन को ठंडा करने के लिए रखा, तो उतनी देर सोचा कि मैं आलूओं को जो मैंने बॉयल करके रखा है उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल के तो उसकी मैं अलहदा से एक डो तैयार कर लूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने जो आलू बॉयल करके रखे थे ना उसमें मैंने अनियन डाला, थोड़ा सा मैंने कटा हुआ धनिया, और एक मैंने ग्रीन चिली वो डाली थी इसमें, और साथ ही मैंने रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स और ज़ीरा, साथ में सूखा धनिया पाउडर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, और थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन भी शामिल की थी। ये सब चीज़ें ऐड करके तो मैंने इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया, तो ये आलू का एक मिक्सर तैयार हो गया था। और अब मैं बनाने जा रही थी आलू के समोसे, तो ये मैंने डो इसलिए तैयार करके रखी थी आलू का मिक्सर ताकि मैं आलू के समोसे बना लूँ, और हम बाज़ार से तो कोई चीज़ मंगवाने नहीं वाले, तो इस वजह से मुझे था कि मैं बड़े वाले समोसे आलू के घर पर तैयार कर लूँ, तो इसीलिए ये मैंने मिक्सर तैयार किया था। तो इसके लिए मैंने ना जो समोसा रोल पट्टी होती है बड़े साइज़ की वो यूज़ की थी, और इस पट्टी को मैंने सीधा रख के हाफ साइड पर उसके ऊपर थोड़ा सा मैदे का मिक्सर जो स्लरी मैंने तैयार की थी वो मैंने इस पर लगा दी अच्छे तरीके से, और उसके बाद हाफ साइड से इसको टर्न करके और दोनों साइड से जो है वो फिर दोबारा से मैंने टर्न किया था। इस तरह जो एक पॉकेट होती है ना समोसे की वो मैंने तैयार कर ली थी, तो उसके अंदर फिर मैंने फिलिंग ऐड कर दी आलू की, और उसके बाद मैंने स्लरी लगा के ऊपर से इसको अच्छे तरीके से यूँ फोल्ड करते हुए ना मैंने इसको बंद कर लिया था। तो इस तरह से बड़ा समोसा तैयार हो गया था, और ये साइज़ सेम एज इट इज़ जैसे बाज़ार से बना हुआ समोसा मिलता है ना उस तरह से उतने साइज़ का बड़ा समोसा तैयार हुआ था। और ये वाला जो समोसा ये मैं फ़र्स्ट टाइम तैयार करी थी, आप यकीन करें इतना यमी, इतना मज़े का बना था, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, हस्बैंड